अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव किया था तो आई हैव टोल्ड यू कि पोटेंशियल एनर्जी आप 11th और 12th मिला के 6 से 7 बार देखते हो, उसमें से 3 बार तो हो गया, 4 बार हो गया, 3 में नहीं, ग्रेविटेशन में हो गया, उसके बाद इलास्टिसिटी में भी देखा हमने स्ट्रेन एनर्जी, उसके बाद हमने देखा सरफेस एनर्जी, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 4 बार हो गया, 5वीं बार है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन दिस टाइम दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही बोलते हैं इसको, तो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अभी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे, तो लेट अस टेक अ कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, बाय द वे यू नो चार्जिंग के प्रोसेस में जो भी एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, चार्जिंग करना मतलब क्या, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, तुम जब मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हो, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, चार्जिंग नाम में ही है, चार्जिंग, चार्ज उस पे, किस पे, बैटरी पे आके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो सम वर्क इज डन इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर एंड वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो कहाँ गया, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। सो सम वर्क इज डन, सम वर्क इज डन इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर, चार्जिंग अ कैपेसिटर, दिस वर्क is stored in the capacitor and is known as electrostatic energy of capacitor। अब अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, सपोज मैंने पहला चार्ज लाया, ऑफकोर्स नो वर्क इज डन, जब मैं और चार्ज आ रहा हूँ वर्क इज डन, मैं और चार्ज आ रहा हूँ मोर वर्क इज डन, तो ये पूरा वर्कनेस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो जब फुली चार्ज होगा, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, वेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। सो वेन द कैपेसिटर is fully charged, then the capacitance किसको कनेक्ट करते हो, C से। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, कैपिटल क्यू, और जब कैपिटल क्यू चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V, ओके। तो अंडर फुल्ली चार्ज कंडीशन द चार्ज ऑन द कैपिटल इज कैपिटल क्यू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट इज कैपिटल V, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, Q by V, equation number 1। अब अगर मैं कोई इंटरमीडिएट स्टेट देखता हूँ, इंटरमीडिएट स्टेट मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जब मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, सपोज आपका मोबाइल फोन डेड हो गया, मतलब बैटरी खत्म हो गया, देन यू स्टार्ट चार्जिंग, तो दिखता है ना 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, ऐसा करते करते 100%, तो 100% का सिचुएशन तो बता दिया मैंने। अब इमेजिन एक इंटरमीडिएट स्टेट था, मतलब 0 से 100 के बीच में कोई स्टेट था, तो जब 0 से 100 के बीच में जो स्टेट था, उस केस में ऐसा मान लो कि एक प्लेट पे चार्ज है स्मॉल क्यू, तो दूसरे प्लेट पे होगा माइनस स्मॉल क्यू, और तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होगा वो कैपिटल वी नहीं, क्या होगा, स्मॉल वी, क्योंकि पोटेंशियल सिंपली डिपेंड ऑन द चार्ज, 1/4πε0Q/डिस्टेंस। तो अगर चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी कम है, पोटेंशियल कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है। तो इंटरमीडिएट स्टेज में, इन बिटवीन वाले स्टेज में चार्ज कितना है, Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो कैपेसिटेंस कितना है, Q by V, स्मॉल सी नहीं लिखते, बताता हूँ क्यों। कैपेसिटेंस ये तुमने एक बार बना लिया, तो अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, अच्छे से समझेगा। अभी मेरे पास पानी का बॉटल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 500 ml, ये बॉटल खाली है, तो भी इसका कैपेसिटी कितना है,
और भरा हुआ है तो भी कितना है, तो कैपेसिटेंस वैसा ही होता है, खाली है तो भी कैपेसिटी उतना ही है, जितना फुल है तभी भी उतना है। क्यों ऐसा? अभी तो देखा था, अभी तो देखा था, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला अभी डिराइव किया था ना, डिराइव किया था अभी, कहाँ गया, गुम हो गया, कहीं तो लिखा था, कहीं तो लिखा था, चलो ये रहा, ए एप्सिलॉन जीरो बाय बी, किस पे डिपेंड करता है, प्लेट एरिया पे, और किस पे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पे। जब तुम्हारे पास कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो या फिर नो चार्ज हो या फिर इन बिटवीन चार्ज हो, एरिया चेंज हुआ गया, डिस्टेंस चेंज हुआ गया नहीं, तो कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया एंड डिस्टेंस, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक एम्प्टी वाटर बॉटल ऑफ 500 ml हैज अ कैपेसिटी ऑफ 500 ml एंड द फिल्ड वन ऑल्सो हैज द सेम कैपेसिटी, गुड। सिर्फ इतना है कि पानी नहीं है तो चार्ज नहीं है, पानी नहीं है खाली बॉटल खाली कैपेसिटर, पानी भरा हुआ है चार्ज भरा हुआ है फुल कैपेसिटर फुल बॉटल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो अभी याद रखना कैपेसिटेंस तो सी ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। ये इंटरमीडिएट स्टेज है। अब इमेजिन मुझे dQ अमाउंट ऑफ चार्ज आके डिपॉजिट करना है, तो नाउ वी वॉन्ट टू इंक्रीज द चार्ज बाय एन अमाउंट dQ, क्या होगा, क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग मोर चार्ज टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस, वर्क इज डन। तो व्हाट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ, dW इक्वल टू चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग, ऐसा था ना, डिराइव किया था ना तुमने, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, किया था कि नहीं किया था ना, इसके बाद तो हमने ये यूज करके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस सब डिराइव कर लिया, तो ये याद होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज वर्क डन। तो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज में चार्ज था स्मॉल क्यू, अब मुझे एक्स्ट्रा dQ लाना है, dQ स्मॉल चार्ज, तो वर्क डन में कितना होगा स्मॉल, लेकिन वर्क डन क्या होता है, चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस v, हाउ मच चार्ज यू आर ब्रिंगिंग, वेरी गुड, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द चार्ज, द चार्ज बाय एन अमाउंट dQ, बाय एन अमाउंट dQ, व्हाट इज द टोटल वर्क डन, कैसे फाइंड करते हो, मैंने इसलिए बोला था पोटेंशियल एनर्जी का जनरल मेथड याद रखना, हर जगह पे तुम यही कर रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हो फिर टोटल वर्क करने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट। सो टोटल वर्क डन इज, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर dW, जीरो चार्जिंग से फुल चार्जिंग तक, क्योंकि हमको देखना यह था कि जीरो चार्ज से कैपिटल क्यू फुल्ली चार्ज, बैटरी को फुल्ली कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में कितना वर्क डन हुआ, तो लिमिट्स क्या आएंगे, जीरो टू कैपिटल क्यू। अभी कैपिटल क्यू क्यों लिमिट्स लगाए, तो तुम्हारे पास वेरिएबल चार्ज है ना, वेरिएबल इज चार्ज, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका जीरो टू कैपिटल क्यू dW इज vdQ, इज vdQ। अब प्रॉब्लम यह है कि जब चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, फिर ये यहाँ से v क्या हो जाएगा q बाय c, और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहाँ पे, सो वर्क डन w इक्वल टू जीरो टू कैपिटल q, क्या लिखे वहाँ पे q बाय c dQ, लेकिन c तो मैंने अब भी बोला c कांस्टेंट है, वो प्लेट एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पर डिपेंड करता है, कॉन्स्टेंट को कहाँ रखते हो, इंटीग्रेशन के बाहर, तो फ्रॉम जीरो टू कैपिटल q q dQ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ q dQ, x dx x square by 2, तो q dQ q square by 2, तो वर्क डन इक्वल टू 1 by c, यू हैव q square by 2 फ्रॉम जीरो टू कैपिटल q, हो गया करेक्ट। तो वर्क डन इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2c, 2 बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट इज q square, लोअर लिमिट इज 0, गुड, तो therefore work done equal to q square by 2c, this work is stored in the form of potential energy in a capacitor and is known as electrostatic energy of the capacitor,
है पोटेंशियल एनर्जी ही है, क्योंकि वर्क डन से आया, वर्क डन से जो भी एनर्जी आए वो पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है, जैसे मैं अभी बार बार बोलता हूँ, तुम में पोटेंशियल है, मतलब यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए रियल लाइफ लेना पड़ेगा आपको, पेन होल्डिंग एट अ हाइट एच, करेक्ट, डज इट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी? यस, कैन यू प्रूव इट? आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एम जी एच है, हाइट है, कैन यू प्रूव दैट दिस पेन हैज अ पोटेंशियल एनर्जी? कैसे करोगे? छोड़ दिया, हो गया, छोड़ दिया, वो नीचे जाने लगा, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगा। एनर्जी अपने आप नहीं आता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं तो तुम छोड़ देते तो नीचे जाता ही नहीं। बट यू रिलीज दिस ऑब्जेक्ट, इट बेसिकली स्टार्ट्स मूविंग, इट इज़ गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू कैन प्रूव कि पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, चार्जिंग हो गया, चार्जिंग निकाल लिया, टेक्स्ट करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, कॉल करते हो, ये सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगता है। कहाँ से आया? वो जो तुमने चार्जिंग किया वही एनर्जी स्टोर हो गया ना इसमें, बैटरी में। अब तुम उसको यूज़ कर रहे हो। अगर होता ही नहीं चार्जिंग, मतलब एनर्जी स्टोर, तो तुम्हारा मोबाइल चलता ही नहीं, राइट? तो फॉर्चुनेटली दैट इट स्टोर्स एनर्जी। सिर्फ उस केस में, जैसे इस केस में, ग्रेविटेशन केस में पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रन द करंट थ्रू द सर्किट। हो गया यहाँ तक? हो गया। अब इसके दो फार्मूला और बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन वन मैंने लिख के रखा है। व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? सी वी। तो क्यू स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या है? टू सी, एक सी कैंसिल। तो क्या हो गया? हाफ सी वी स्क्वायर। सबसे ज्यादा ये यूज होता है। अगेन व्हाट इज सी इन टू वी? क्यू। तो मैं इसको ऐसा लिखू गया हाफ सी वी और वी, क्योंकि वी स्क्वायर था। तो व्हाट इज दिस? क्यू। तो हाफ क्यू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के तीन फार्मूला है, एक है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एक है हाफ सी वी स्क्वायर, और एक है हाफ क्यू इन टू वी। कौन सा यूज करना डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर तुमको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स बताया होगा तो सी वी स्क्वायर, अगर तुमको बोला होगा कैपेसिटेंस इतना है, चार्ज इतना है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, अगर तुमको बताया होगा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस तो तीसरा। तो डिपेंड करता है विच क्वांटिटी इज गिवन टू यू। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ क्वाइट सिंपल डेरिवेशन। ये डेरिवेशन और इलास्टिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। वहाँ भी तुमने यही किया था, सिर्फ वो इलास्टिक एनर्जी था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है अंडर फुली चार्ज कंडीशन, चार्ज इज कैपिटल क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज कैपिटल वी। तो एक इक्वेशन बन गया हमारे पास सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अब अगर मैं इंटरमीडिएट स्टेज देख रहा हूँ, मतलब जीरो चार्जिंग से फुल्ली चार्ज के बीच में देख रहा हूँ, तो चार्ज कितना है क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, आई हैव नॉट चेंज द एरिया, आई हैव नॉट चेंज द डिस्टेंस, तो कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। तो क्यू बाई स्मॉल वी। ये आ गया आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट वाज चार्ज्ड विद अ स्मॉल चार्ज क्यू। अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज लाना है, यही तो तुम करते हो जब चार्जिंग लगाते हो, तो तुम चार्जेस ला रहे हो एक एक करके, तो तुमको डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लाना है और पॉजिटिव प्लेट पर डिपॉजिट करना है। ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो वो अपोज करेगा, अपोज करेगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। और ये वर्क डन तुम कैसे फाइंड करते हो? चार्ज दैट यू आर मूविंग इन टू पोटेंशियल डिफरेंस, डी क्यू इन टू वी, डी क्यू इन टू वी। लेकिन ये वर्क डन था ओनली टू ब्रिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ जीरो चार्जिंग टू 100% चार्जिंग। तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल क्यू वी डी क्यू, डी डब्ल्यू इज वी डी क्यू, लेकिन वी खुद भी कॉन्स्टेंट नहीं है, चार्ज बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। तो
एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो v की जगह पे लिखा q बाय c, c बाहर आ गया, बचा इंटीग्रेशन q dq विच इज q स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू हैव वर्क डन एज q स्क्वायर बाय 2, सी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसके दो फॉर्म और बन सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी। क्लियर आता गुड। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टॉपिक्स, वन इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द अदर इज वैन डेर ग्राफ जनरेटर। इसमें से वैन डेर ग्राफ जनरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ओके बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज इट विल टेक टाइम, उतना टाइम है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।